हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम केमिस्ट्री में 2013 का सेकंड पेपर सोल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन दे रखिए है वही बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू इसमें आपको तीन क्वेश्चन देखने तीन या चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मैं आंसर बताती जाऊंगी जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन

ग्लास इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट टू है ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट टू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन क्योंकि स्टेटमेंट टू में भी ग्लास की बात कर रखी है और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें भी ग्लास की बात कर रखी है और दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे Limestone decompose when it is heated in air. Statement 2. Increase in the content of CO2 in the atmosphere. It is sent here is mainly due to the using of limestone in the manufacture of simlet. Kansi statement theek hogi? इसमें देखो जो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज नोट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट तो ये देखो लाइमस्टोन की बात कर रखी है दोनों लाइमस्टोन स्टोन डी इट इज हीटेड इन स्टेटमेंट ठीक है दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है पर जो स्टेटमेंट टू है वो जो स्टेटमेंट वन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा वेरी लिटिल हाइड्रोजन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कैल्शियम स्टेटमेंट टू द सोल डेट इज प्रोड्यूस्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसोलूबल आपने बताना है कि इसमें भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट गलत है वेरी लिटिल हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू स्टेटमेंट टू दोल प्रोड्यूस्ड कैल्सियम सल्फेट इज इन सोल तो इसका राइट आंसर होगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन ठीक है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिंक इज फॉर ग्लोबनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग स्टेटमेंट टू जिंक इज मोर टू टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन एयर ये दो स्टेटमेंट जो दिए हैं इनमें से डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है सिंगल ऐसे स्टेटमेंट में नहीं दे रखा ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है जिसमें चार ऑप्शन होते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताइए क्या आंसर होगा इसका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है अगर एक्टिविटी सीरीज को देखते हो तो, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी स्टेटमेंट वन की तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर गैस potential रिपेल of अदर मोर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस of इज gas कईनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस molecules इज each द गैस pressure of a अदर मोर प्रेशर ऑफ अ गैस its temperature बिकॉज एट हायर टेम्परेचर उन्होंने क्या बोला कि अगर हमने प्रेशर लगाया है और नीचे से हमने टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया है तो उससे टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा गैसेज मोलिक्यूल पे इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसिस मॉलिक्यूल्स आर हायर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा करें नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर डिक्रीज़ इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज फाइनल टेम्परेचर, इंक्रीज़ देश ऑफ द गन पाउडर या मेक्स अ पाउडर स्मोकलेस द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर क्या आंसर होगा इसका इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डिक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर ठीक है जो गन पाउडर सल्फर जो प्रेजेंट होता है गन पाउडर में वो क्या करता है डिक्रीज करता है किसको इग्निशन टेम्परेचर को तो ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर होगा ठीक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज स्लो सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन ऑप्शन बी हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ़ नाइट्रोजन ऑप्शन सी फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द सोइल ऑप्शन डी कैपेबल ऑफ मेकिंग द सोइल एसिडिक इसका क्या आंसर होगा calcium ammonium nitrate is popular nitrogen fertilizer because it is because it is having more percentage of nitrogen is it second option is the right answer ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एज एन इनग्रेडियंट इन प्ला पेंट टू ऑप्टेन ग्रीन कलर ब्लू कलर रेड कलर या वायलट कलर क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एज अ इनग्रेडियंट इन पेंट टू ऑप्टेन कौन सा कलर देता है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट्स टू ऑप्टेन ग्रीन कलर ब्लू कलर रेड कलर या व्हाइलेट कलर कौन सा आंसर होगा इसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन कलर ठीक है अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय एक्सट्रैक्शन विद हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन विद कोल्ड वाटर सब्लिमेशन या स्टीम डिस्टिलेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय किस मिक्सचर से सेपरेट करोगे किस प्रोसेस से सेपरेट करोगे डिस्टिलेशन किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे स्टीम डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन विद हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन विद कोल्ड वाटर या सब्लिमेशन तो नेपथलीन यानी सोलिड का गैसेज में चेंज होना और सोलिड का जब गैसेज में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं और गैस का द्वारा सोलिड में चेंज होना इज अ डिपोजिशन तो नेपथलीन की बात करी गई है यानी सोलिड का गैस में चेंज हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा सब्लीमिशन ठीक है दी एच ऑफ द सोल्यूशन प्योर सोडियम क्लोराइड इन वोटर इज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वोटर द पी एच ऑफ द सोल्यूशन ऑपटे बाइ डिजोल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वोटर आंसर होगा इसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रल Oxygen on reaction with non-metal form oxide, which are basic oxide, acidic oxide, amphoteric, and neutral oxide. Oxygen on reaction with non-metal form oxides, which are basic oxide, acidic, amphoteric, and neutral oxide. इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी एसिडिक ऑक्साइड ठीक है बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन इथेन ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल क्वेश्चन आया बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन इथेन ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए मिथेन। अ गैस इज इंवॉल्व ए पीस ऑफ जिंक मेटल प्लेस इन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर वेपर या सल्फर डाइऑक्साइड। अ गैस इज इंवॉल्व वैन पीस ऑफ जिंक मेटल प्लेस इन डल्यूट सल्फ्य गैस ये reaction है, एक reactivity series के चलो कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है और क्या करके कौन सी गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कौन सी गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्योंकि जिंक तो सल्फेट को ले जाएगा एसओ फोर को तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जिंक सल्फेट बन जाएगा ठीक है

-metal. मेटल की प्रॉपर्टी भी शो होती है और नॉन मेटल की भी होती है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ठीक है टू रिएक्टेंट इन अ फ्लास्क प्रोड्यूस बबल्स गैस इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की द रिएक्टेंट इन द फ्लास्क का जिंक एंड एसिड हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना तो पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होगा अब बताओ तो दूसरा इसका आंसर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा ठीक है तो ये थे क्वेश्चन ये हमारी आज केमिस्ट्री के दो तेईस से लेके 2013 तक के सारे के सारे पेपर सोल्व हो गए हैं ये लास्ट पेपर था 2013 का सेकेंड बाकी जिसने अगर पेपर नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जाके सारे पेपर देख लें आंसर्स देख लें क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसी चीज है कि अगर आप पिछले 20 पेपर भी सोल्व कर लेते हो तो पेपर आपका उसी में से हो जाता है जो नेक्स्ट पेपर भी आएगा वो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं और घुमा फिरा के स्टेटमेंट को चेंज करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 पेपर पिछले सॉल्व कर लो इनफ है ठीक है तो 2013 से लेके 23 के अब तक के सारे के सारे पेपर इसमें पड़े हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू